अभी हमारे साथ हैं चमोली के ट्रैफिक इंस्पेक्टर सर, तो चिंता चेक करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप सो मजे में होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहने का भी है। तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी को, आप भाई बहुत बहुत बधाइयाँ कृष्ण जन्माष्टमी की। गोपेश्वर की जो कृष्ण जन्माष्टमी है ना, वो होती है इवनिंग में, मतलब शाम के टाइम पे बहुत प्यारा प्रोग्राम होता है। हेलो मम्मी जी, तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आप लोग के लिए भी। हाँ, तो मम्मी का तो भाई सज धज के तैयार हो गई है, मुझे लग रहा है भजन कीर्तन करके तो आ गई है ना मम्मी। मैं गोपीनाथ का दर्शन करके भी आ गई भाई। क्या बात क्या बात, अभी गोपीनाथ जी से भी आ गई हूँ मैं, गोपीनाथ से भी आ गई हूँ मैं। बस, और पापा जी तो यहाँ खाने बनाने पे लगे हुए हैं। पापा जी क्या बन रहा है आज खाने में? खीर। खीर, हाँ, स्वीट डिश। स्वीट डिश में खीर बन रही है, खाने में बन रहा है खीर वीर। तो अभी तो भाई मैं खा नहीं पाऊँ क्योंकि मुझे जाना है पुलिस ग्राउंड पे, क्योंकि पुलिस ग्राउंड पे जो प्रोग्राम होता है ना भाई, वो इतना प्यारा होता है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो बहुत लोग के मुझे कॉल भी आ रहे हैं कि भैया आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो प्रोग्राम पे, तो हम लोग भी जाएंगे और कैसा कैसा प्रोग्राम होता है कि वहीं जाके पता चलेगा। बट सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े सिंगर भी आ रहे हैं, तो आज मतलब वहाँ पर पूरी तबाही होने वाली है, पूरा रौला मचने वाला है लड़कों का। इतना अंधेरा हो गया, ऑलमोस्ट आई थिंक टाइम हो गया 8:30, तो मेरे को लग रहा मुझे तो हो गया लेट। ठीक है बाबूजी प्रणाम। तो पापा लोग तो भाई आ नहीं रहे क्योंकि पापा का कल स्कूल है, और भाई इस बार भाई बड़ा इशू चल रहा है कि भाई आज है कृष्ण जन्माष्टमी, कल है कृष्ण जन्माष्टमी, तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है इस बार क्रिएट। तो कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मनाएंगे, बट यार मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बार ऐसा क्यों ड्रामे चल रहे हैं आजकल वाला। पहुँच चुके हम लोग गोपीनाथ मंदिर पर। जय हो गोपीनाथ जी, सबकी रक्षा करें, सबको खुश रखें। तो भाई पीछे चल रही है कृष्ण जी की आरती, तो वहाँ पर हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि हमें जाना है पुलिस लाइन पे, थोड़ा बहुत काम भी है, तो भाई लेट ना हो जाए इसीलिए पहुँचते हैं जल्दी। देखते हैं मार्केट से क्या क्या हाल है, भीड़ तो भाई मुझे लग रहा है अभी तक ख़त्म हो गई होगी आज। दिन में आया था ना मैं थोड़ा सा, तो भीड़ बहुत तगड़ी हो रही थी यहाँ पर। पहुंच चुके हम लोग पुलिस लाइन पे। तो प्रकाश भैया और हमारे आजिश भाई, आजिश भाई हाउ इज द जोश? हाय सर। तो भाई लोग भी लगे हुए हैं काम पे, तो आई थिंक मुझे भी कुछ ना कुछ शूट करने को मिलेगा, तो देखते हैं क्या क्या शूट करने को मिलता है। और पीछे चल रहा है म्यूजिक, तो कॉपीराइट का इशू आएगा, तो बट कोई नहीं, देख लेंगे। ग्राउंड में हम लोग जैसे ही पहुंचे तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिले, तो हेलो कर दो पहले सब। कैसे हैं आप लोग? आप बढ़िया। कौन कौन सी क्लास में आप लोग? सेवन। अच्छा, तो भाई आप लोग भी डांस वांस देखने आए हो? हाँ। आपको भी है डांस? ना ना, हमारा नहीं है, कल देखने आए। सिर्फ देखने आए हो, डांस करोगे आज? है, चलो तो डांस वांस करो, ठीक है आप लोग, तो मिलते हैं आज आपसे। गोपेश्वर के कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल प्रोग्राम पे जो हमारे स्पेशल सिंगर आए हैं, दर्शन सर आए हैं और अंकिता मैम आए हैं, तो सर हेलो। सर कैसे लग रहा है आपको गोपेश्वर में आके? बहुत मजा आ रहा है, और क्राउड देख के तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो उसके बाद लोग नाचेंगे, ढोलेंगे और गाएंगे। यस सर, हम भी वही सोच रहे कि हम भी इसीलिए आए कि खूब नाचे खूब झूमे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप लोग भी नाचे के साथ यहाँ पे हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी के उसमें हमको मिले यहाँ पे हमारे अमित भैया, तो इन्होंने मेरा भाई चैनल हैक कर लिया है, अब यही करेंगे आगे का ब्लॉग। बात नहीं है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है, मैं ताली आ रही हूँ कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं पुलिस लाइन पे और भाई जनता चेक करो, सारे सब्सक्राइबर हमारे, तो ये सब एंजॉय कर रहे हैं, दो शॉट के मजे लो। Thank you.
दर्शन प्रसाद सर आ चुके हैं स्टेज पे, तो भाई बहुत ही खतरनाक वाला तबाही होने वाला है। मेरी आवाज आए ना आए कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन इसके बाद जो तबाही होने वाली ना वो आप लोग चेक कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज गोपे सर के जितने भी लौटे लगा रहे हैं सबका डांस होने वाला है। तो लेट्स अभी हमारे साथ हैं चमोली के ट्रैफिक इंस्पेक्टर सर। तो सर पहले हेलो हमारे ब्लॉग में आपका। तो आज सर ने पूरा भाई जितना भी आज का प्रोग्राम था सर ने ही आगे से एकदम तबाही मजा रही थी, खतरनाक सर मजा आया आपकी जितने भी एंकरिंग चल रही थी। थैंक यू। तो सर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था आप लोगों की तरफ से, और इतना अच्छा मौका मिला हम लोगों को इतना शूट करने का। तो सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ की सम्मानित जनता के लिए बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी सहभागिता दी, बहुत सहयोग दिया, पत्रकार बंधुओं ने बहुत सहयोग दिया, व्यापार मंडल का यहाँ सहयोग रहा, और जितने भी श्रद्धालु पहुँचे थे उनका सहयोग रहा। साथ ही जो हमारी जो श्रद्धा पुष्प जो टीम हमारी पहुँची थी, अनिश रांगण वाली टीम पहुँची थी हमारी, दर्शन फरसवाण जिसमें पहुँचे थे, तो जो भी कलाकार थे बहुत बेहतरीन कलाकार थे, और उन्होंने समा बांध दिया था, ये कहें कि समा बांध दिया था, जनागेदार बना दिया था, मदमस्त बना दिया था, और बहुत बेहतरीन रंगीन शाम बना दिया था इसको। तो इसके लिए मैं इन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि एक बार मैं सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और ये दुआएं करता हूँ उन माओं के जिनकी जिनकी गोद में भी फूल नहीं खिला है कि अगले वर्ष उनकी गोद में कन्हैया खेले और उनके घर के आंगन में राधा की पायल बाजे। तो धन्यवाद सर, आपने इतना समय कीमती समय दिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। प्रोग्राम तो हो चुका है ख़त्म, और हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया था, तो अब निकलते हैं घर की तरफ को। और मौसम इतना खूबसूरत हो रखा है ना भाई, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। चंदा मामा है ना जो, वो दूर से ही भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं, बट भाई अब जाके जल्दी जल्दी जाना है, और आज थोड़ा बहुत काम एडिट करना है रात को ही, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है भाई, तभी कल कंटेंट आ पाएगा। तो रात में भाई पूरा गोपेश्वर देखो क्या प्यारा लग रहा है इस टाइम मंदिर। अच्छा भी है भाई एसिड। बाय बाय बाय। अरे डीओजी साहब, अरे दीदी ऐसे कूड़ा मत फेंको रोड पे। पहुंच चुके हैं हम लोग कमरे पे, और टाइम देख रहा है कितना हो रहा है, 1:07। तो इतने लेट तक प्रोग्राम चला, बट सीरियसली यार जो एसपी मैम ने ये वाला प्रोग्राम करवाया था ना, बहुत ही प्यारा करवाया था, मैं सही में बहुत दिल खुश हो गया। प्रकार से वहाँ पर क्राउड था, और जो दर्शन प्रसाद सर आए थे और रांगण मैम आई थी, तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलके भी, और जिस प्रकार से वो लोग भाई आज उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी कभी ना कभी भाई उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। तो आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो दिखाओ यार चैनल पे प्यार सपोर्ट। जिन जिन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, नींद नींद भी पूरी करने है, क्योंकि कल भी एक राइड है, तो क्या क्या होता है क्या नहीं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। यूके 11 के बंदे काने मेरे हर गाड़ी में चलते हैं, जो बोले दिखाते हैं करके हैं, जलने वाले सारे रहते हैं सड़के। यूके 11